अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट निशा खान और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चिट चैट विद निशा खान। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरे हर शो में एक डिफरेंट पर्सनालिटी मौजूद होती है। आज भी एक ब्रिलियंट एंड डिफरेंट पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है। शी इज बेसिकली टिकटॉकर, और मैंने पहले भी काफी शोज किए हुए टिकटॉकर्स के ऊपर, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे। और अभी उन्होंने स्टार्ट लिया हुआ है, इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है लेकिन है, इतनी है, लेकिन वो कैसे हुई, किस तरह किया, और बेसिकली एक टिकटॉकर के लिए क्या क्या इश्यूज क्रिएट उनको होते हैं फैन फॉलोइंग पाने में, हमने पहले भी जाना है अपने डिफरेंट शोज में, लेकिन आज भी हम जानेंगे ये सारी बातें और भी मुख्तलिफ बातें जानेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली अक्सा बलोच। हाय अक्सा, वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? हेलो, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? आई एम गुड। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम बेसिकली टिकटॉकर हो, राइट? टिकटॉकर हो, कितनी फैन फॉलोइंग है टिकटॉक पे? फिलहाल नॉर्मल है, केज में चल रही है। केज में कितनी फॉलोअर्स मेरे हैं? 20.4K। बहुत हैं। ऐसे लोग इतने भी पाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, क्योंकि लैक्स तक भी, लाख तक भी आपकी फैन फॉलोइंग नहीं पहुंचती, क्योंकि ऑब्वियसली टिकटॉक ऐप एक ऐसी ऐप है हर कोई यूज कर रहा होता है, और हर बंदा कोशिश में यही होता है कि मेरे भी मिलियंस में चले जाएं, भाई मेरे भी लाखों में चले जाएं। तो इज वेरी डिफिकल्ट। खैर एनीवे, तो कब से बना रही हो? शौक था शुरू से फेम पाने का, या फिर अचानक से लोगों को देखकर शौक हो गया? अचानक से लोगों को देख के शौक हुआ। अच्छा, ओके। तो क्या मतलब, क्या कंटेंट है तुम्हारा, किस तरह की वीडियोस बना रही होती हो? फिलहाल तो सिंधी सॉन्ग्स पे बनाती हूँ ज्यादा, सिंधी एटीट्यूड सॉन्ग्स होते हैं और वीडियोस होती हैं बस। अच्छा, ओके। बेसिकली अक्सा इज सिंधी, और सिंधी का एक अपना ट्रेंड होता है, वो अपने सिंधी सॉन्ग्स में आई थिंक वीडियोस बना रहे होते हैं। तो अगर आप किसी को भी जानना होता है तो वो अक्सर आजकल लोग समझ जाते हैं कि उनकी वीडियोस ज्यादा सिंधी गानों पे बनी हुई है, ज्यादा पठानी गानों पे बनी है, ज्यादा बलोची गाने पे बनी हुई है, तो वो समझ जाता आगे वाला बंदा कि यार ये इसकी ये कास्ट है। तो सिंधियों में तो अक्सर लोग अपनी बहनों और जो मदर होती है उनको अक्सर पर्दों में रखते हैं, ये ट्रेडिशनल आप लोगों में होता है, तो आप ऐसे कैसे बोल्ड होकर बाहर आ गई? ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरे फादर नहीं है। अच्छा, जस्ट अम्मी है, और हमारे खानदान में कोई भी वीडियोस नहीं बनाता, और कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसके पास मोबाइल हो। ओके। किसी के पास नहीं है। मैं फर्स्ट ऐसी हूँ कि अम्मी ने मुझे बाहर उठना बैठना सिखाया है, फोन दिया है, और टिकटॉक का शौक भी मुझे था, लेकिन फैमिली वाले खानदान वाले में से कोई अलाव नहीं कर रहा था। उसके लिए भी अम्मी ने ही मेरे साथ हेल्प की है। अच्छा। अम्मी ने उनको कहा है कि मेरी बेटी है, बस जो उसका शौक है वो करे, तो उसके बाद ही मैंने बनाना शुरू किया। वैसे मुझे अलाव नहीं था। ओके। अभी भी थोड़ी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं टिकटॉक पे मेरे। ओके ओके, फैमिली बैकग्राउंड इश्यूज हैं आपको काफी। ओके, तो एक टिकटॉक ऐप जैसे है फॉर एग्जांपल, वो तो आपके गांव दे, आपकी बेस क्या है बेसिकली? घोटकी। ऑब्वियसली यू लिविंग राइट नाउ, बट नाउ कराची। कराची में गुलशन हदीद। अच्छा, अभी आप फिलहाल कराची में सेटल हो गई है ना? जी, वैसे जी। तो आपका गांव है, तो गांव देहात में तो बहुत डिफरेंट तरीके से आपको देखा जाता होगा कि यार इतनी बोल्ड है, एक्टिव है, वीडियोस बना रही होती है। बहुत कुछ सुनने को मिलता है गांव की तरफ से भी, कोई ऐसी वीडियो देखते हैं वो फिर फैमिली वालों को भेजते हैं कि ये देखो उसमें ये कर रही है, इसके साथ वीडियो बना रही है। लड़कों के साथ वीडियोस बनाना अलाउ नहीं था, फिर अम्मी ने साथ दिया है सब हर चीज के लिए। तो कैसे फेस करती हो फिर, लोगों के कॉमेंट्स नेगेटिव करते होंगे, पॉजिटिव तो बहुत कमी लोग करते होंगे। मेरी मम्मी कहती है कुत्तों का काम होता है भौंकना, उनको भौंकने दो। ओके ओके, तुम आगे बढ़ने की सोचो। ओके ग्रेट, अच्छी बात है। वैसे अम्मी आपकी सपोर्ट करती हैं, तो फैमिली और क्या इश्यूज आपको क्रिएट होते हैं? और भाई भाई छोटे हैं मेरे, एक ही सिस्टर हूँ। ओके, तो भाइयों को भी लोग बोलते रहते हैं कि तुम्हारी बहन वीडियो बना रही है, ये देखो तुम्हारी बहन गलत काम कर रही है, ये ड्रेसिंग कर रही है, इस लड़के के साथ गई है, उधर जा रही है। तो भाई भी फिर लड़ते हैं आके, नानी भी अम्मी को ही सुनाती हैं, अम्मी मेरे लिए बहुत कुछ फेस करती हैं। अच्छा, ओके। अब तक मेरे जितने भी शोज पे आए हैं टिकटॉकर्स, तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड से उनको सपोर्ट होता है, लेकिन इनका मानना है और इनका कहना है कि मैंने यही बोला कि सिंधी या फिर पठानों में ऐसा ट्रेडिशनल कम होता है कि उनकी लड़कियां बाहर निकलें, बट नाउ इज़ वेरी फास्ट टाइम, हर बंदा फास्ट ट्रैक पे चल रहा है, लड़कियों को बहुत सारी अथॉरिटीज मिल रही हैं। तो सिंधियों में आप
के अलावा भी तो मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है जो आपसे ज्यादा बोल्ड है। हमारे खानदान में कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, आपके खानदान में ही नहीं है टोटली? हमारे खानदान में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो FB यूज करे, TikTok यूज करे, मतलब फोन अलाउ ही नहीं है। सब ही बहुत मुश्किल से अभी उन लोगों को BA करने के बाद मिला है मोबाइल। तो आपने किस एज में मोबाइल पकड़ा? मैं 6th क्लास में थी तब मुझे सेल मिला था। ओ, मेरी पैदाइश जो है ना कराची की है, मैं गांव नहीं जाती। अच्छा, इनका आपका रहन सहन कराची का है? मेरा इधर का ही है, मैं गांव जाती नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को जानती हूँ उधर। ओके ओके, बस एक बेस्ट है आपकी जो अम्मी अब्बू का बेस्ट है वो घोटकी है, लेकिन आपकी बेस्ट वैसे की बेसिकली कराची है। तो आपको मतलब और क्या इश्यूज क्रिएट हुए जब आपने टिकटॉक ऐप ज्वाइन किया, जब वीडियोस बनाना शुरू की, कमेंट्स लोगों के देखे, तो क्या और क्या चीजें फेसेस की आपने? पहले तो सबने बोला कि कमेंट्स ऑफ करो, चलो मैंने कमेंट्स भी ऑफ कर दिए थे। उसके बाद वीडियो बनाने के लिए बाहर नहीं जाने देते थे। फिर अच्छा। अम्मी ने हेल्प की, अम्मी ने सबको सुनाया कि भाई मेरी बेटी है, किसी का कोई हक नहीं है बोलने का। ओके। तो उसके बाद ही अब फिर कोई नहीं बोलता, क्योंकि उनको पता है मेरी अम्मी बनाने दे रही है, वो अलाउ कर रही है, कोई और क्यों बोलेगा। ऑब्वियसली जब आपके फादर और आपकी फादर की डेथ नहीं हुई, डिवोर्स हो चुकी है जब हम छोटे ही थे। अब वो भी है मेरे, वो भी अच्छा, सब कुछ देखते हैं, लेकिन अच्छा, वो बोलते अच्छा, नहीं है। सेपरेट हैं आपकी अम्मी अब। ओके ओके, ग्रेट। तो सिर्फ आपकी अम्मी का आपको सपोर्ट है। तो अभी आप फिलहाल नाउ स्टडी कर रही हैं, इसके अलावा? स्टडी कर रही हूँ, स्टडी के बाद इंशाल्लाह LLB करूंगी। सेकंड ईयर अभी मेरा कंप्लीट होगा, आज थर्ड पेपर था मेरा। बट आप लगती नहीं है इतनी एज की आपने। मेरी 17 कंप्लीट नहीं हुई अभी। तो जल्दी मैंने एजुकेशन जल्दी कर ली है, कम एज में चली गई थी ना, तो उस वजह से फिर सर वगैरह अम्मी को कहते थे कि इसको आगे भेजो आगे भेजो। अच्छा, इसलिए एक क्लास पढ़ाई स्टडी कराची में की है? जी। अच्छा, ओके। पैदाइश भी मेरी कराची की है। ओके, तो जब टिकटॉक पे आई तो क्या लगा कि कर लूंगी मैं, बना लूंगी वीडियोस और मैं फेमस हो जाऊंगी? मेहनत का फल तो वैसे ही मीठा मिलना है, बंदा मेहनत करेगा। शुरू में फेमस हो गई थी या फिर स्ट्रगल किया? मेरे तकरीबन 3 अकाउंट बैंड हो चुके हैं, अगर वो 3 होते तो अभी मेरे लाइक्स मिलियंस में होते। अच्छा, बैंड वाला चक्कर भी एक मैंने सुना है, काफी टिकटॉकर्स बता रहे होते हैं कि कोई हमारे जो जैलिस पीपल हैं या जैलिस फैक्टर हाँ, में लोग रिपोर्ट्स वगैरह आई थिंक कर रहे होते हैं, तो हमारी वीडियोस जो है वो बंद हो जाती हैं या हमारा अकाउंट बैंड हो जाता है। खैर एनीवे, ये तो हर जगह पे है और ये कॉमन सी बात है। लोगों के तो कोई और जलता है, हमारे तो अपने ही जलते हैं इधर। ओहो, अच्छा, ओके ओके, सेम ईयर यार, सेम ईयर। ऑब्वियसली मेरे साथ भी यही सीन है कि गैर क्या जले, हमारे अपने ही इतने जलते हैं कि बस दूसरे तक पहुंचने वाली बात ही नहीं आती, ना देखने वाली बात आती है। क्योंकि आजकल के दौर में देखो, आपके जितने भी रिलेटिव हैं वो कभी नहीं चाहते कि आप आगे जाएं, वो चाहते हैं सिर्फ हम ही हम रहें और हम ही हमारा ही हमारा नाम रहे। तो और अगर कोई आगे जा भी रहा होता तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपने बताया कि मेरे घर में आके बता रहे होते हैं कि देखो यार वीडियोस बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसे भी बोलते होंगे आगे, यार रोडों पे घूम रही है तुम्हारी बेटी, संभालो। ये भी बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। अब क्योंकि ऑब्वियसली एक टिकटॉकर है तो टिकटॉकर की वीडियोस मैंने काफी देखी, वो रोड पे ही बना रहे होते, फ्लावर जगह पे बना रहे होते हैं, तो इस तरह तो मेरी अम्मी मेरी वीडियोस बनाती है कभी। अच्छा, अम्मी शूटिंग कर रही जाते हैं ना, तो भाई वगैरह कहते हैं कि हम नहीं बना रहे, तुम पोस्ट करोगी, फिर मेरी अम्मी मेरी वीडियोस बनाती है ज्यादातर। अच्छा, तो आप जब टिकटॉक पे आई तो टिकटॉक से आपको कोई बेनिफिट हुआ अब तक? नहीं, फिलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ, बस शौकिया तौर पे बनाती हूँ। फिलहाल तो शौकिया तौर पे हो रहा है। अच्छा, शौकिया तौर पे किस तरह की इमोशनल वीडियोस बनाती हो, फनी वीडियोस बनाती हो? सीरियसली इमोशनल मुझ पे सूट नहीं करती, मुझसे बनती ही नहीं है, तो फनी भी मुझे नहीं आती ज्यादा बनाने, तो फिर बस नॉर्मल सॉन्ग्स वगैरह पे और एटीट्यूड वीडियोस। शक्ल से भी थोड़ी सीरियसली टाइप मुझे बंदी लगती हूँ, ऐसा ही मैं एटीट्यूड वीडियोस बनाती हूँ। तो मैं सूट भी करती होंगी ऐसी वीडियोस, ऐसे ही है। मेरी अम्मी माशाल्लाह से बहुत ब्रेव हैं, अम्मी को देख देख कर अब मैं भी हो चुकी हूँ। अच्छी बात है। अबू के छोड़ने से पहले ही अम्मी जॉब करती थी और हमारे खानदान वाले अम्मी को भी जॉब नहीं करने देते थे, और अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की जॉब गवर्नमेंट की जॉब हो चुकी है। अच्छा, मतलब आप लोगों के खानदानों में शुरू, आप लोगों के गांव देहात से और खानदानों में शुरू से ट्रेडिशनल है कि औरत को बाहर निकलने नहीं देना। हमारी कास्ट जो है बुलेदी बलोच है। अच्छा, हम बलोच है, लेकिन बलोची वगैरह बोलना नहीं आती मुझे, यहाँ सिंध में रह के सिंधी सीख गई हूँ। ओके, तो ये क्या ट्रेडिशनल है कि आप लोगों में ऐसा अभी तक कायम है कि औरत को बाहर निकलने नहीं देना, अगर औरत जींस पहन रही, टी शर्ट पहन रही है तो उसको इस तरह निकल। टी शर्ट का तो हमारे गाँव में तो किसी को पता ही नहीं है कि ये है क्या, जब मैं जाती हूँ मैं पहनती हूँ तो तब भी लोग मुझे देख रहे होते, लड़का बन के घूम रही है।
अच्छा लड़का वाला ट्रेडिशनल, टॉम बॉय वाला ट्रेडिशनल दे देते हैं। लड़का बन के घूम रही है, पैंट पहनी हुई है, वो देख सब कुछ नजर आ रहा है, जींस पहनी हुई है उसने, ये हालत होती है। ये वाले कमेंट्स आपको गांव से मिल रहे होते हैं, इसलिए गांव में नहीं जाते। तो आप लोगों का ये तो अभी अभी तो वेरी फास्ट टाइम, अब तो औरतें बहुत कुछ कर रही हैं दुनिया में, अब कर तो रही हैं, ये लेकिन अभी तक वहां ये शऊर अभी तक नहीं आया लोगों में, नहीं आया बिल्कुल भी नहीं। अभी भी मतलब वही हमारे हालात हैं कि गांव काट में तो। दिया और लड़ाई झगड़े, हाँ, और औरत को अब इधर निकलना की है तो बात उधर पूरा आंखें नजर करना। आए सिर्फ, अब आया लगा लें प्रॉपर, ऐसा ही है। क्योंकि अब तो वहां की लड़कियों को अथॉरिटीज नहीं मिलती बाहर निकलने नहीं की, शहर आने की। नहीं नहीं वो लोग ईद पे भी बेचारी घर पे बैठी रहती हैं सारी। अच्छा तो यार ये तो बहुत गलत है, हाँ, ये कि बात बहुत है। गलत है अभी तो। लेकिन अभी तो मैंने अक्सर ऐसे भी टिकटॉक देखी जो गांव लोग के लोग भी बना रहे, गांव देहात के। पंजाबी जो है ना वो लोग बना रहे हैं, लेकिन हमारी फैमिली में से जो है कोई भी नहीं बनाता ऐसा अच्छा आप जी। मतलब स्ट्रिक्ट खानदान से ताल्लुक हाँ, रखती हमारे हैं। यहाँ कहते हैं कि किसी लड़की ने लड़के से बात की तो उसको गोली मारेंगे अच्छा जी ओके, आपकी अम्मी जवाबदेह हैं। जी मेरी अम्मी बस मेरे साथ होती हैं हर टाइम। ओके ओके ग्रेट। तो तुम ऐसे तो बिल्कुल, मुझे जब लगा शुरू में अभी आई तो मैंने बोला बहुत एटीट्यूड होगा आई थिंक, मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने बोला जब कन्वर्सेशन करेंगे तब पता चलेगा कि क्या हालात हैं और क्या नहीं। क्योंकि एटीट्यूड मुझे खुद को नहीं पसंद, जो बंदा मेरे साथ करता फिर मैं उसके साथ बात भी नहीं करती एटीट्यूड वाले के साथ। ओके ओके, लेकिन एटीट्यूड तुम्हारी से होता क्या, कुछ भी नहीं होता, बात वैसे भी करनी है एटीट्यूड में भी करनी है, तो ओके बंदा इससे अच्छा है ओके, सिंपल रह तुमने के बोला बात ना कर कि मैं ले। अपनी वीडियोस एटीट्यूड वाली थोड़ी सी बना दी, तो मैंने हाँ, बोला आई थिंक वीडियोस का तो शौक है थोड़ा बहुत एटीट्यूड वाली, और वायरल तुम्हारी भी वही फेमस होती है। वायरल्स भी वही होती हैं हाँ, वीडियोस। ओके ओके, इसके अलावा क्या हॉबीज हैं? कुछ नहीं, बस लॉयर बनने का बहुत शौक है लॉयर बनना है? जी। ओके, उसके लिए तो बड़ी स्टडी करनी पड़ती है। अभी इंटर के पेपर दे दी, उसके बाद फिर मैंने कोर्ट ज्वाइन की थी बीच में, वन इस वीक एज गई में वो थी। तो बोल रहे होंगे बच्ची आ गई, नहीं, 1 वीक गई थी अम्मी की फ्रेंड के साथ ही, तो तो फिर उसने दिखाया था उधर, कोर्ट मैरिज वगैरह सब कुछ हुआ था, मैंने देखा था। अच्छा चीजें सीखने के लिए हाँ, तुम। सीखने के लिए, अभी इंटर के पेपर जैसे ही क्लियर होंगे ना उसके बाद मैं फिर से कोर्ट ज्वाइन करूंगी। ओके ओके ग्रेट, तो शुरू से लॉयर। एक्सपीरियंस आता है ना उसमें फिर बहुत ज्यादा। हमारे अच्छा जो मतलब खाला की बेटी हैं वो सिर्फ पढ़ी लिखी हैं और वो मेडिकल की है, मेरी मम्मा भी मेडिकल की है, तो तुम लोगों के खानदानों में एजुकेशन भी नहीं दी जाती है, नहीं राइट? औरतों को मैं ये एक शो कुछ कुछ करूंगी मर्द ऐसे होते कि हैं जो। औरतों को थोड़ी हाँ, एजुकेशन और वो सारी चीजें अथॉरिटी मिलनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टेबल है। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूंगी जो लोग इस तरह करते हैं अपनी माँ बहनों को बाहर निकलने नहीं देते, और एक अजीब सा ट्रेंड बनाया हुआ है यार कि यार इनको हमने एजुकेशन नहीं देनी, इनको बाहर नहीं निकलने देना, इनको काम नहीं करने देना, इनके हिसाब से जिंदगी इनको नहीं जीने देनी, तो ये अब पुराना दौर चला गया, अब बहुत फास्ट टाइम आ गया है, अब औरतें भी अब काम कर रही हैं और मर्द बाहर निकल मर्द की रही जगह हैं। ले सकती हैं, वो ले काम कर सकती नहीं है, ले लिया ले भी रहे है हैं वैसे। अभी के टाइम पे, औरतें ज्यादा बाहर है मर्द हजरात से, हाँ, ऐसा ही मर्द है। घर का काम कर रहे होते हैं, औरतें जा रही होती है जॉब पे कमा के आती हैं। अब औरतें ज्यादा काम कर रही हैं हाँ, और मर्द हजरात हमारे घर में बैठे हुए हैं। वजह सारी ये है क्योंकि औरतों को शुरू से, हम औरतों में ये खासियत होती है, नेचुरल है कि हम लोगों में लस होता है, लस मीन्स एहसास होता है हाँ कि, और हर लड़की भी एक जैसी नहीं होती, बहुत सी लड़कियां सोचती हैं कि यार बस हमने स्टडी करनी है, इन फ्यूचर तो हमारा प्लान ये है कि शादी किया, घर बसा लिया, बच्चे पैदा किए, यही होता है। और बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो बोलती हैं यार मुझे जिंदगी में कुछ बनना है, मुझे आगे जाना है। फॉर एग्जाम्पल लाइक यू, लॉयर बनना इज वेरी डिफिकल्ट, उसके लिए काफी अर्निंग आपको चाहिए होती है, उसके अलावा फिर आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, फिर आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, आपके बैकग्राउंड से किसी को होना चाहिए, कोई वकालत में है बैकग्राउंड से? बैकग्राउंड से मेरा तो कोई भी नहीं है, सारे मेडिकल्स की हैं गर्ल्स जो हैं कजन्स मेरी, बस खाला की ओके बेटियां और मामू की बेटियां पढ़ी लिखी हैं बस, और कोई भी नहीं है। ओके ओके, तो अभी तो अब लॉयर बनने में तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा हाँ, ना, 5 ईयर और लगेंगे, अभी अभी तो थोड़ा स्टडी स्ट्रगल, अभी करनी है। स्टडी करोगी, स्ट्रगल करोगी, देन बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर। बाकी इंशाल्लाह। और ट्रैवलिंग का शौक है, ट्रैवलिंग वगैरह करती हो? कार चलाने का बहुत शौक है, कार चलाने का शौक अच्छा है। ड्राइविंग करने का शौक हाँ, है। बाइक ओके ओके, चलाने का नहीं है, पहले था बाइक का, फिर लोगों ने जो है ना बहुत लड़कियों अच्छा के हम बारे में यहीं से बोला। आएंगे, मेरी कॉल आ गई है ब्रेक लेने की, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो जी नाज़िन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन, और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चिट चैट विद निशा खान, और मेरे साथ मौजूद है टिकटॉकर अक्सा बलोच। और अक्सा से हम बात कर रहे थे ट्रैवलिंग के ऊपर, तो इन्होंने कहा मुझे ड्राइविंग करने का बहुत शौक है, ड्राइविंग के अलावा बाइकिंग करने का, आई थिंक बाइकिंग का शौक नहीं है, पहले था स्टार्टिंग में जब लड़कियां चला रही थी। अच्छा, फिर जब फैमिली वालों का सुना, फिर मैंने कहा चलो कार अच्छी है इससे, मतलब फैमिली वालों का मींस मतलब खानदान, मैंने आपको बताया तो कि हमारे यहाँ अलाव नहीं है कुछ भी। तो तुमने तो बोल दिया ना कि मेरी अम्मी का सपोर्ट है, सारी चीजें तो है, लेकिन अब जरूरी नहीं है ना कि अम्मी भी हर बार मेरे लिए सुने। अच्छा, तो तुमने वो शौक अपना खत्म कर दिया फिर, बाइक वाला चलाया नहीं कभी? बाइक भाई ने दी थी, छोटे वाले ने एक बार चलाई थी बस। अच्छा, अम्मी तुमने अपना शौक तो समझो एक बार चला के पूरा कर लिया ना। छोटे वाले भाई ने बताया इसको ऐसे करना, फिर मैंने चलाई थी। जबरदस्ती चलाई होगी, भाई देने नहीं मांग रहा ऐसे ही। छोटा वाला अच्छा है, वो देते हैं। ओके, भाइयों का सपोर्ट कितना हद तक मिलता है? मिलता है नॉर्मल, जब सही होते हैं, जब उनको लोग भड़काते हैं ना तो फिर वो थोड़ा सा चिड़चिड़े हो जाते हैं। कच्चे हैं दिमाग, हम तो कहते हैं कच्चे दिमाग। छोटे हैं अभी मुझसे दोनों, बड़े नहीं है। ओ, छोटे हैं फिर भी अकजमाते हैं। छोटा वाला तो सिंगर है हमारा, उसको गाने बहुत मतलब आवाज बहुत अच्छी है उसकी। अच्छा भाई, छोटे भाई भी बोलते हैं, मुझे आज पता चला। मेरे तो खैर बड़े भाई हैं तो वो बोलते हैं, कजन वगैरह को देखते हैं ना कि वो अपनी बहनों पे रोक जमा रहे हैं, ये कर रहे हैं कि इधर नहीं जाना, ये नहीं चलाना, वो नहीं। सुनती हो उनकी? नहीं, अपनी चलाती हूँ, चलानी भी अपनी चाहिए। बात नहीं करती उनसे, फिर वो लोग कहते हैं ये चली जाएगी, फिर बर्तन मुझे धोने पड़ेंगे, झाड़ू मुझे लगाना पड़ेगा। अभी से लगा लेते हैं, मैं जब बहन नहीं होती फिर वो लोग काम कर रहे होते हैं मेरे पीछे। अच्छा, ओके ओके। फूडी तो आप नहीं लगती हैं, बेसिकली तो फूड का सवाल ही करना नहीं बनता आपसे। नहीं, मैं नहीं बनाती। नहीं नहीं, फूड आप फूडी नहीं हो ना, आप स्लीम हो, मेंटेन किया हुआ अपने आप को काफी, और कोई यकीन भी नहीं करेगा कि ये स्टूडेंट है सेकंड ईयर की। बिल्कुल, मैं जब आई तो मुझे लग रहा था छोटी बच्ची आ गई, मैंने बोला यार शो कैसे करेंगे इसके साथ, लेकिन जब इसने अपने लुक चेंज किया तो तब मुझे लगा, मैंने बोला नहीं कर सकते हैं चीजें पता है, क्योंकि जाहिर बात है एक मैच्योर पर्सन में आप जब कॉलेज लाइफ में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली आप मैच्योर हो जाते हैं। अब तो खैर लड़कियां वैसे ही मैच्योर हो गई हैं, मोबाइल के वजह से तो हर बंदा ही मैच्योर हो गया, बच्चे भी आजकल मैच्योर हैं। आजकल के बच्चे तो बड़ों से ज्यादा तेज हो गए, बड़ों से ज्यादा तेज हो गए, हकीकत है, दैट्स नेचुरल। क्योंकि जो मोबाइल में लोग आजकल टिकटॉक ही को देख लो ना, टिकटॉक आप बड़ा भी चला रहा है, बच्चा भी चला रहा है, जवान भी चला रहा है, हर बंदा एक ही ट्रेडिशनल वो टिकटॉक ही यूज कर रहा होता है। और टिकटॉक पे आप डिपेंडिंग ऑन यू कि आप किस तरह यूज कर रहे हैं, अब आप अच्छी चीजें भी देख सकते हैं, बुरी चीजें भी देख सकते हैं। खैर एनीवे, इसके अलावा मोबाइल की मिस्टेक नहीं होती, बंदा खुद पे डिपेंड होता है, यही बात है ना, मोबाइल किस तरीके से चला। लोग कहते हैं कि मोबाइल गलत है, मोबाइल गलत है, गलती मोबाइल की नहीं होती, अगले बंदे की होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है हर बंदा, लेकिन आजकल यार मैं ये कहती हूँ कि हम लोग भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं मोबाइल, झूठ क्यों बोलो, यूजर बहुत। एक चीज आपके हाथ में आ गई ना, टीवी है, आपने एक टीवी ले लिया है टोटली, अब आपने ठक 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 लिखा ये आ गया, ठक ठक कुछ किया ये आ गया, तो इट्स वेरी इजी, तो हर बंदा चाहता है कि यूज करे। खैर एनीवे, इसके अलावा और क्या रूटीन स्टोरी होती है तुम्हारी, क्या चल रहा होता लाइफ में? फिलहाल तो कुछ नहीं, ट्यूशन और कॉलेज ही जा रहे हैं। अच्छा, कॉलेज जाती हो, तो कॉलेज जाती हो तो क्या क्या चीजें चल रही होती है वहाँ, लोग पहचानते हैं जानते हैं कॉलेज में? कॉलेज पूरा मेरा फैन है, सारी मेरी दोस्त है, सारे जानते हैं कॉलेज में, सब मुझे जानते हैं। अच्छा, सब टिकटॉक से पहचान गए तुम्हें? हाँ, टिकटॉक से पहचानते हैं, जब मेरी अम्मी कभी कभी लेने आती है ना, उनको अम्मी को कहते हैं आंटी ख्याल से लेके जाइएगा, कोई फैन ना मिल जाए रस्ते में। मैंने बोला ना कि आपने जितना बताया, आपने अपनी फैन फॉलोइंग बताई, वो भी जल्दी किसी की नहीं होती है, क्योंकि आजकल बहुत लोग बना रहे होते हैं ना यार वीडियोस, बात सही है। तो तुम्हें किस तरह के कमेंट्स मिलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह पसंद करते हैं? नेगेटिव्स भी आते हैं, पॉजिटिव्स भी आते हैं, ज्यादा क्या पॉजिटिव आते हैं। अच्छी बात है भाई, मेरे शो पे लास्ट टाइम एक आई थी खवातीन, वो भी टिकटॉकर थी, उन्होंने बोला भाई मेरे तो आते ही नेगेटिव है टोटली। नहीं नहीं, इतने नेगेटिव नहीं आते, क्योंकि वीडियोस ऐसी नहीं होती ना, वीडियोस के ऊपर डिपेंड करता है। एक वीडियोस में कितना टाइम लगता है, कितनी देर में बना लेती हो? 5 मिनट लगते हैं ऑलमोस्ट। मैंने तो सुना बड़ा टाइम लगता है, लाइटिंग शाइडिंग करनी होती है, ब्रेसिंग करनी होती है, मेकअप करना होता है। जरूरी थोड़ी है, मैं तो सिंपल में भी बनाती हूँ वीडियो फिल्टर लगा के।
अच्छा आप इनका फिल्टर का कमाल होता है। हाँ, मैं नहीं करती। लड़कियों का तो फिल्टर, इन्होंने सिर्फ फिल्टर का बोला बोला, मैं अपने डिसेंट लुक में बनाती हूँ, लेकिन लड़कियां मोस्टली मेकअप भी करती हैं, उसके ऊपर भी फिल्टर लगा रही होती हैं। मुझे तो ज्यादा मेकअप मेकअप का शौक नहीं है, डिसेंट नहीं है। मैंने अभी जो मेकअप किया है ना, ये सेकंड बार किया मैंने मेकअप। अच्छा, बर्थडे पे तैयार हुई थी पार्लर से, उसके बाद आज रही हूँ। ओके, गुड, वेल एंड गुड। और हम भी मेकअप से बचना चाहते हैं, लेकिन हमारा काम इससे हमें करना पड़ता है मेकअप। और लड़कियां आजकल वैसे भी शॉकिंग मेकअप करती हैं, और मेकअप के बाद वो मेकअप इतना लगा के जा रही होती हैं जैसे किसी की शादी में जा रही। तो ऐसे ही है ना, टिकटॉकर, टिकटॉक पे तो है ही ट्रेडिशनली। टिकटॉक नहीं बनाती वो ट्यूशन जाती है, टिकटॉकर के बगैर भी जाती है मेकअप करके, ट्यूशन जाती है या फिर पढ़ाती है टीचर। तो उन्होंने गंवार वाला रूप अपनाया हुआ ना, हम लोग उसको गंवार टाइप बोलते हैं। वो लोग बस इतना मेकअप कर रहे होते हैं जैसे किसी की शादी में जा रहे हैं। तौबा है, तौबा है। हम लोग, मैं तो कैजुअली नॉर्मली कभी भी मेकअप नहीं करती भाई, इधर बाजार वजार जाना हो कहीं जाना हो, हम लोग तो टोटली बच रहे होते हैं मेकअप से, कि बस क्योंकि इतना काम चल रहा होता है, मेकअप हो रहा होता है, तो उसमें हमें यही लगता है कि यार बहुत मेकअप लग रहा है, बहुत मेकअप लग रहा है, लेकिन जितना जितनी कोशिश हो सकती है बचते हैं उस मेकअप से। इसके अलावा रही बात टिकटॉक की, तो टिकटॉक पर मैंने काफ़ी लड़कियों को देखा है मेकअप भी कर रही होती हैं, फिल्टर भी लगा रही होती है, और जब सामने आती है बोलते हैं ओहो ये है, I can't believe this, ऐसा ही है। चेंज हो जाता है, लोग चेंज हो जाता है। लड़कियों का, लड़कों का भी आजकल ऐसा चल रहा है। लड़कों ने भी ट्रेडिशनल शुरू कर दिए, मेकअप करके आते हैं, लाइट लाइट मेकअप करते हैं, फिर फिल्टर लगाते हैं, फिर रियल में देखते हैं तो कुछ और यार ये है। कुछ और है, हमने किसी और को देखा था, वीडियो में कुछ और था, सामने कुछ और आ रहा है। ये तो वीडियो में इतना हैंडसम है और रियल में इतना बुरा। अल्लाह, मतलब हम लड़कियां फिर गलत बदनाम है। लड़के कहते हैं ना ब्यूटी पार्लर में जादू है, जाती कोई और है तो आती कोई और है, लेकिन लड़कों के लिए भी आजकल ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, जाता कोई और है तो आता कोई और है। बिल्कुल ग्रेट बात कही है, ऐसा ही है। इसके अलावा अभी इन फ्यूचर तुमने बोला लॉयर बनना है, और इसके अलावा क्या ड्रीम्स है जो तुमने अब तक पूरी नहीं किया लाइफ में? ड्रीम्स तो मेरी कोई और नहीं है, बस गाड़ी लेने है, अम्मी को खुश रखना है, और कुछ भी नहीं। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी थिंकिंग है, और आपकी थिंकिंग पे मैं एग्री हूँ, और यही सेम थिंकिंग मेरी भी है, क्योंकि मैंने एक बात अपनी ज़िंदगी में सोची है कि घर तो होगा होगा मेरी अम्मी के पास ऑब्वियसली। इसके अलावा मैंने इन फ्यूचर ऐसा काम करना है कि भले मेरी शादी हो जाए ना, उसके बाद भी एक ऐसा काम करना है कि हर मंथली इनकम जो होती है ना, कि उनको ऑटोमेटिक मिलती रहे, भले मेरी शादी भी हो जाए, शादी के बाद मैं बाहर मुलक जाऊं, कहीं भी जाऊं, कि उनको ये इनकम वाला इशू क्रिएट ना हो अपनी मेरी मदर को। ये मेरी थिंकिंग है, जैसे आपने बोला कि मेरी थिंकिंग है कि मैं भी गाड़ी लूं, तो गाड़ी और घर तो होना ही होना है टोटली। इसके अलावा भी यही थिंकिंग है कि हर महीने इनकम किसी भी तरीके से ऑटोमेटिक उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। जॉब्स भी बहुत की हैं। अच्छा, आपने किए? हाँ, मैंने कंपनी में जॉब की है, मार्ट में भी जॉब कर चुकी हूँ, मैं शॉप पे एज इंचार्ज जॉब कर चुकी हूँ। अच्छा, ओके ग्रेट। बस मम्मी की हेल्प करने के लिए दिल करता है, बस फारिक बैठी हूँ। कॉलेज जाती नहीं थी वैसे, फर्स्ट ईयर में गई थी रेगुलर, लेकिन सेकंड ईयर में फिर दिल नहीं कर रहा था जाने का, एक ही दिन गई थी, क्योंकि पढ़ाई इतनी होती नहीं है कॉलेज में, बंदा तफरी कर रहा होता है। मैंने कहा टाइम वेस्ट हो रहा है, नींद भी खराब हो रही है, इससे अच्छा बंदा जाए ही ना। रियली ओके ओके। मैंने भी एक ही जानो कॉलेज लाइफ अपनी इतनी नहीं, मैंने ही कॉलेज इतनी, यही मेरा भी यही सीन है। मतलब मैं गई थी मैट्रिक में स्पीच करने सिटी की साइड। अच्छा, आगे गई थी, सेकंड पोजीशन आई थी मेरी, तकरीबन कराची के ऑल स्कूल्स थे उधर। अच्छा, और हदीद का हमारा ही स्कूल सिर्फ सिलेक्ट हुआ था और मैं ही सिलेक्ट हुई थी। ओके ओके, कैसा प्राउड फील हुआ, क्या लगा? मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई थी उस टाइम, सिर्फ अम्मी साथ थी मेरे, कोई भी नहीं चला था इतना दूर भी। ओके ओके। फेवरेट टिकटॉकर कोई, जिसको जो आइडियल हो, जिसको पसंद करती हो? अरिशा सुमर। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा शौक है उसके साथ वीडियो बनाने का। अरिशा सुमरो, और एक और आपकी सिंधी बड़ी मेरी अच्छी दोस्त भी है अक्सा जमाली, और अक्सा जमाली अक्सा किंजर, अक्सा किंजर जमाली मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो उनको काफी लोग, वो भी एक फेमस पर्सनालिटी हैं, और उनको सिंधी में काफी, उनके साथ ही बनाने का शौक है, इंशाल्लाह जरूर उनके साथ ही बनाऊंगी, पसंद किया जाता है तो बन जाएगी, कोई मसला नहीं है। आपके ही लोग हैं, आपके कास्ट के लोग हैं, और आपको नहीं सपोर्ट करेंगे तो किसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सीन तो सबका है, कल्चर हमारा ही है, तो हम सब एक ही लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है कि अगर आप सिंधी हो तो हम उर्दू स्पीकिंग है तो डिफरेंस है, लेकिन ये होता है कि ट्रेडिशनल अब बन गया है कि
सिंधी सिंधी को सपोर्ट कर रहा है, बलोच बलोच को सपोर्ट कर रहा है, पठान पठान को सपोर्ट कर रहा है। तो ये गलत है, हर इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, कास्ट नहीं देखनी चाहिए कभी भी, क्योंकि अगर आप एक ही शहर में रह रहे हो तो सब आप लोग मिलकर रहो, ये हाँ। ये है, लेकिन अब कुछ और दौर आ गया, पहले ये सारी चीजें नहीं थी। खैर एनीवेज, के अलावा अगर शो भी मॉडल बनने का चांस मिले, एक्टर बनने का चांस मिले तो करोगी? नहीं, शौक नहीं है बिल्कुल भी, ड्रीम कोई भी नहीं, आइडियल कोई शोबिज से किसी को पसंद करती हो, किसी एक्टर को? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अपनी एक अलग ही थिंकिंग बनाई हुई है बिल्कुल। हाँ, बस खुद को ही पसंद करती हूँ मैं। अच्छा, आई लव माई सेल्फ, ऐसे ही है। ओके ओके ग्रेट। तो अम्मी अम्मी को कैसा लगता है जब कोई फेम तो मैं मिलता है और फैंस मिल जाते हैं? है? मेरी अम्मी मुझसे ज्यादा खुश होती हैं, प्राउड फील करती हैं कि यार मेरी तारा के शो में गई थी जब वापसी आई थी, जितनी मैं खुश नहीं हुई थी उसके साथ मिलकर, उससे ज्यादा मेरी अम्मी खुश हुई थी। अच्छा, तारा तारा मेरी भी बहुत अच्छा के साथ है जो। आई नो तारा से मेरे को एक मैंने निक नेम रखा, वो मैं नहीं लूंगी क्योंकि वो सब जानते हैं मैंने क्या नेम रखा हुआ है उसका। और तारा एक टाइम में मेरी बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी है, लेकिन तारा को भी सिंधी नहीं आती है, और अब आती है माशाल्लाह से, आप पता नहीं, आई डोंट नो, ज्यादातर सिंधी ही बोलती है वो। आई हैव नो आइडिया, मेरी अभी काफी दिन से मुलाकात नहीं हुई। अब वो फेम पा रही है टिकटॉक पे और एक बहुत टाइम हो गया, और उसकी एक ही वीडियो निकली थी, वो मेरी हाथ की बनाई हुई वीडियो थी, जो रैली वाली वीडियो थी, जो वो सीट पे बैठी हुई थी और जो न्यूज को अपना इंटरव्यू दे रही हो, मेरी बनाई हुई वीडियो है मेरे फोन से। वो वीडियो उसकी निकली वहां से और उसके अच्छे फैन फॉलोइंग हो गई। खैर यही लक होता है, थोड़ी सी लक की बात भी हम कह सकते हैं टिकटॉक पे, और टिकटॉकर्स के लिए मेरे नजर में अहमियत है, लेकिन लोग नहीं पसंद करता। माशरा एक टिकटॉकर को ये कहता है कि यार इन्होंने तबाह वो कहा है, बेहुदा फैलाया हुआ है और बेहुरमती करते हैं चीजों की, क्यों क्यों करते हैं इस तरह, तुम लोगों को लोग नेगेटिव में क्यों लेते हैं? अगर तुम लोग कहीं बोलते हो कि हम एक टिकटॉकर हैं, अब उनकी मर्जी, उनको नहीं पसंद तो हम क्या कर सकते हैं, तो उनके पसंद से थोड़ी चलना, अपने पसंद से चलो, वही बात है ना। अब हम अपनी पसंद करेंगे ना, उनको नहीं पसंद अब उनके लिए हम छोड़ तो नहीं सकते। ऐसे ही है, हकीकत है। तो तुम्हारे को मतलब कोई अर्निंग नहीं है अभी तक टिकटॉक से, ये कहना है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई ऐसी इंस्टाग्राम पे कोई स्पॉन्सर या कोई ऐसी? इंस्टाग्राम तो मैं यूज नहीं करती, इंस्टाग्राम मुझे नहीं पसंद। अच्छा ओके, तो मतलब फिलहाल अभी तुम अपने शौकिया तौर पे वो सारी चीजें बना रही, लेकिन मेरे जो पिछले शोज में आए टिकटॉकर, उनका कहना है कि अर्निंग है टिकटॉक पे, उनकी होगी ना, उनके अकाउंट के हिसाब से होगी, लेकिन हमारी नहीं है। अच्छा, हिसाब से मींस? वो लोग कहते हैं कि फॉलोवर ज्यादा होंगे तो उसको मिलेगी सैलरी वगैरह, जो भी है सैलरी मिलती है इस पे, स्नैक पे मिल रही है अब तो ज्यादातर। स्नैक तो मुझे बताया दो तीन लोगों ने कि इस पे स्नैक पे काफी ज्यादा मिल रही है, मुझे तो एक आए हुए थे लास्ट टाइम, मिलती है लेकिन अभी फिलहाल टिकटॉक वालों ने बंद की हुई है सैलरी। अच्छा, सैलरी बंद की हुई है? ओके, सैलरी दी जाती है भाई टिकटॉक पे 10K के बाद दी जाती है, तो तुम्हें नहीं मिल रही फिर? नहीं फिलहाल बंद है ना, ऑन होगी तो मिलेगी। पहले कभी नहीं मिली? नहीं, एक साल से तुम टिकटॉक पे हो ना? फॉलोवर्स मेरे अभी बढ़े हैं, केस तो वैसे लाइक तो वैसे ही बढ़ गए थे, लेकिन फॉलोवर्स अभी जा गए बढ़े टिकटॉक पे। मतलब मैंने और भी चीजें देखी हैं यार काफी, के मतलब बेहुदा ड्रेस में अक्सर तुमने देखा होगा काफी सारी लड़कियां बना रही होती हैं, तो ये इस चीज को क्या समझती है वो कि हम अगर बेहुदा ड्रेस में लगाएंगे वीडियोस, बोल्ड ड्रेसिंग करके लगाएंगे तो हमारी वायरल होगी? वो जो है ना फेम पाने के लिए, जिनको ज्यादा जल्दी फेम पाना होता है ना, वो यही वीडियोस बना रही होती है। तो मतलब अगर आपको फेम चाहिए या फिर आपको फॉलोअर्स चाहिए तो आपको बोल्ड होना पड़ेगा? मेरे को तो खैर ऐसी वीडियोस पसंद नहीं है जो मैं ज्यादा फेमस हो जाऊँ, इंशाल्लाह हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ज्यादा जल्दी नहीं है। मतलब तुम चाहती हो कि मैं सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ू ना, ये वाली थिंकिंग है ना तुम्हारी? हाँ, एक ही बार जो है ना ऊपर गिर के नीचे, ऊपर जाके नीचे नहीं गिरना, आहिस्ता जाना है, सिलो सिलो रन करना। अच्छी बात है, अच्छी थिंकिंग है, और हर इंसान को कोशिश भी यही करनी चाहिए कि जिंदगी में हम सिलो सिलो जाए, वो फायदा होता है। एकदम एक दफा टॉप पे जाने से ना वो ऐसे सीढ़ी की तरह नीचे आ जाता है। जल्दी का काम वैसे भी शैतान का होता है। तो यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तो जी नाज़रीन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चिट चैट विद निशा खान। और मेरे साथ मौजूद हैं अक्सा बलोच, और अक्सा बेसिकली टिकटॉकर हैं। अक्सा से बात कर रहे थे हम, इनके फैमिली के बारे में भी बात की, टिकटॉक ऐप के बारे में बात की। लेकिन अक्सा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप बेसिकली, एक तो आपने बताया था कि मेरे फैमिलीज इश्यूज हैं और हम लोगों के गांव में फलां फलां हमें ऐसे ड्रेसिंग में पसंद नहीं किया जाता, तो ऑब्वियसली तुम ट्रैवलिंग करती हो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जाती हो, तो वहाँ तो तरीके के, हर तरीके की ड्रेसिंग तुम्हें वेयर करनी होती होगी, तो इस पर क्या इशूज क्रिएट करते हैं तुम्हारे खानदान वाले, तुम्हारे फैमिली वाले? जब पैंट शर्ट पहनती हो तो घर वाले भी बोल, घर वाले में से अम्मी नहीं बोलती, बस अम्मी के अलावा बाकी सारे ही बोलते हैं कि पैंट शर्ट क्यों पहनी है, लड़के देखेंगे, बड़ी पहनो, बोलेंगे दुपट्टा पहन के जाओ, ऐसे जाओगी बाहर, बाहर खोल के जाओगी, बस ये सिर्फ इशू होते रहते हैं। तो तुम्हें उस वक्त क्या फील होता है, जवाब देती हो कोई? मैं नहीं देती, मैं कहती हूँ बस मेरी मर्जी है, बस ये बोलती वो चुप हो जाते, उनको पता है फिर इसकी जिद है। अच्छा, ओके। बालों पे भी इशू करते होंगे कि बाल क्यों खुले हुए हैं, बाल बांधो? बस मैं से मुंह धोकर बाल खोलूं आके और चेंज करूं ना, फिर वो पूछती किधर जा रही हो। अच्छा, फौरन समझ जाते हैं, समझ जाए बस इसने अभी कहीं जाना है। अच्छा, तो कपड़े पे क्या इश्यूज क्रिएट करते हैं कि कितनी कितनी हद तक शर्ट पहन, ये भी करते होंगे ना कि इतनी बड़ी शर्ट पहने? हाँ, कहते हैं बड़ी पहना करो, दुपट्टा लिया करो, अम्मी रस्ते से जा रही होती है, इसका दुपट्टा नहीं उतर जाता है सर से, बगैर दुपट्टे के घूम रही होती है। अच्छा। अम्मी कहती है कि छोड़ दो एक ही। और खानदान वालों का क्या कहना होता है जो आपके गाँव में रह रहे? वो लोग भी तो यही बोलते हैं बस के पैंट शर्ट में जा रही है, लड़कों की तरह घूम रही, आवारा हो गई है, ये हो गई है। तो तुम क्या सोचती हो फिर, ऐसे वर्ड्स कैसे बर्दाश्त करती हो? जब वो मुझे ये कहते हैं ना कि हाँ हमने इसको लड़के के साथ इधर देखा था, मैं उसको कहती हूँ ख्याल करना अपनी बहन को देखा होगा। अच्छा। तो वो लोग चुप हो जाते हैं जब उनके, नहीं तो ये आवारा आवारा वाला जो अभी आपने एक वर्ड यूज किया, तो ये एक बड़ा अजीब और बड़ा मतलब अफसोसदा वर्ड है कि कोई किसी को ये वर्ड कहे कि यार एक आवारा आवारा की तरह ये घूम रही है, मैं तो उसकी टांगे तोड़ दूं या टांगे टूटवा दूं उस बंदे की। मैं बोलता हूं मैं उसके घर जाके उसके साथ फड्डा करके आती हूं। ग्रेट, फड्डा नहीं किया करो, एक दो थप्पड़ मारा करो और उसके बाद लिटा लिटा मारा करो। इन्हीं बातों की वजह से अपने अब्बू से भी लड़ाई की है। अच्छा, अब्बू ने भी आपको इश्यूज क्रिएट किया? मतलब इन बातों पे नहीं की थी अब्बू ने, वो बस सिर्फ फैमिली इशू आ रहे थे थोड़े की अम्मी की सैलरी वगैरह कम थी, तो मैंने कहा था अब्बू को जाके ना खर्चे के लिए। अब्बू ने शादी की दूसरी, उसमें से माशाल्लाह से दो बच्चे भी हैं, उनको खर्चा वर्चा दे रहे थे, तो फिर मेरा भी मीटर आउट हुआ। एक बार गाँव गई हुई थी तो सारे ताने दे रहे थे, तुम्हारे अम्मी और तुम्हारे अब्बू उनको दे रहे तुम्हें नहीं दे रहे, उनको दे रहे तुम्हें नहीं दे रहे। फिर मैं फर्स्ट टाइम अपने अब्बू के घर गई थी, फिर वहाँ गई तो फिर अब्बू का वेट किया, वो आए तो मैं आराम से ही बात कर रही थी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो फिर कह रहे हैं कि मेरे पास आके रहो, ये करो, वो करो। हमने कहा आप आ जाएं कराची हमारे साथ रहे, हम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि मैं गांव जाती हूँ तो बीमार हो जाती हूँ ज्यादा, पानी वगैरह चेंज हो जाए ना। तो मैंने तो सुना है कि गांव का जो है पानी भी बड़ा अच्छा होता है और ताजा होता है बिल्कुल, हमारा तो दो नंबर पानी आता है, हम तो ये सुनते हैं क्योंकि मिलावट हो गई है अब कराची के पानी में, तो तुम्हें वहाँ का पानी क्यों नहीं? हमें आदत हो गई है ना क्योंकि बचपन से हम यही रहते हैं, पानी की आदत हो गई है, यही का पानी पीते हैं ना, अब जरूरी थोड़ी मिनरल वाटर पीते हैं। ओके ओके, वो तो मैं भी मिनरल वाटर नहीं पीती। अच्छा ओके, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता वो किस तरह का पानी बन रहा है, वो किसी को आइडिया नहीं है है। बाकी मुझे गांव का पानी नहीं लगता, वहाँ की रिहायश, वहाँ गर्मी होती है, मुझे भी गर्मी तो अभी कराची में भी बहुत है, सेम कंडीशन हो गया, एसी लगी हुई है ना, तो गांव में एसी नहीं होता ना, ये लाइट वगैरह का थोड़ा सा इश्यू आता है, लाइट आती जाती है। अच्छा, गांव की रिहायश में और कराची की रिहायश में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा होता है? गाँव में सहूलियात बहुत कम है, यहाँ जो इधर ज्यादा है, वहाँ की बहुत सारी लड़कियां चाहती होंगी कि हम भी ऐसी रहन सहन चाहती हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग चाहते हैं लेकिन अब उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है, तो कितनी लड़कियां तो मैंने सुना है भाग के भी आ जाती हैं कराची, बहुत सारे गांव के लोग शादी भी कर लेते हैं तब तुम लोगों की फैमिली वाले भाग तब नहीं मारते गांव वाले जब भाग के शादी करते हैं? किसी लड़की ने भाग के शादी नहीं की। अच्छा, वो पसंद की करती है सारी उनके घर वालों के? नहीं, बचपन से ही हुई भी होती है। मेरी मेरा भी रिश्ता हुआ हुआ था, ट्रेडिशनल मेरा भी रिश्ता हुआ हुआ था कजन के साथ। क्या आप लोगों की बचपन में क्यों हो जाती है? मतलब एंगेजमेंट वगैरह नहीं हुई थी, सिर्फ खालू को मैं पसंद थी कि मैं इसको अपने छोटे बेटे के लिए लूंगा, दो ही सिस्टर्स हैं। तुम लोगों के खानदान में ही होती है ये भी सुना? हाँ, पूरे खानदान में हमारे यही होता है, तो बस मेरा कजन फिर मामू की बेटी को पसंद करता था, उसको मेरा बाहर पैंट शर्ट पहन के जाना नहीं पसंद था, और
टिकटॉक वगैरह तो बनाना तोड़ दी नहीं मंगनी। पसंद था, मंगनी नहीं हुई थी, सिर्फ नाम किया था एक दूसरे के, बोला था मुंह से कि तुम दोनों का रिश्ता होगा। ओके उसको देन फिर मामू की बेटी पसंद थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम दोनों खुश रहो, क्योंकि मैं अगर उसमें ज्यादा इंटरफेयर करती तो मेरा फायदा नहीं था ना, जो रिस्पेक्ट उसे उसे मिल रही थी वो मुझे नहीं मिल रही थी, फिर एग्जैक्टली फायदा ही नहीं था। उसके बाद इसीलिए फिर मैंने उससे बात करने खत्म कर दी, तो मैं बात नहीं करती। अब वो बंदा मेरे घर भी आता है ना, हम दोनों मिलते भी नहीं है एक दूसरे से। अच्छा, ये आप ओपन माइंडेड चाहती हैं, वो एक गांव हाँ का बंदा है, ऑब्वियसली कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में आप कहती हैं कि बस लव। मैं चाहती थी कि मैं खुद मना करूँ ना, लेकिन कुदरत का कमाल ही ऐसा हुआ कि उसने ही मना कर दिया चलो कि मैं अच्छी नहीं कर बात है, रहा। अच्छी बात है। और लड़की को अथॉरिटीज होनी चाहिए टोटली, मेरा मानना ये है कि वो अपनी जिंदगी का फैसला वो खुद खुद करे, करें। ना कि उसके भाई या बहन, या आपका जो हक है आप उसको अपनाओ और आप पूरा करो, ना कि उसके ऊपर हक जमाना शुरू कर दो। जैसे आपके गांव देहात के लोग जो होते हैं वो टोटली औरतों पे बड़ा हुक्म चला रहे होते हैं, हाँ ऐसा ही है हाँ कि वो घर में बोलते हैं कि भाई आपने सिर्फ अगर हिलना भी है तो वो हमसे पूछ के हिलना है, ऐसा ही है। तो बाहर तो आपने बड़ी हमारे बात कर दी खानदान में निकलने की, कोई खानदान से बाहर शादी भी नहीं करता। बाहर पे भी एक इश्यूज है, हाँ कोई खानदान से बाहर शादी नहीं करता। इज वेरी स्ट्रिक्ट। गांव देहात के लोग बहुत हाँ स्ट्रिक्ट होते हैं इस मामलात में, और अभी भी ये ट्रेडिशनल चेंज नहीं हुआ। मैं कहती हूँ ये चेंज होना हाँ चाहिए, होना चाहिए। जरूरी है, क्योंकि वहां की मुझे भी हर लड़की चाहेगी यार कि वो अपनी मर्जी से क्यों नहीं जिए, क्यों नहीं सरवाइव करे, वो क्यों नहीं फेम पाए, वो क्यों नहीं वो सब कुछ करे जो एक आम इंसान या आम लड़का या लड़की कर रहे होते हैं। लड़का लड़की अब वो वाला ट्रेडिशनल ही ला कि अलग है, आप कंधे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं लड़के लड़कियां। आपको आप कहीं जाती हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप कहीं आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, तो आपने कभी वहां का रहन सहन देखा है मैं कि कभी वहां गई लोग नहीं किस हूँ, तरह रह रहे हैं। कभी गई वहां नहीं की हूँ। औरतें अपना काम खुद करती हैं, किसी हाँ पर ये तो डिपेंड है। नहीं है वो। कराची में भी अब बहुत सारी औरतें अपना काम खुद करती हैं और अपनी अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। और ये डिपेंड वाली चीजें जो पहले वाला ट्रेडिशनल था वो अभी भी कायम है, अभी आपसे सुना है, वरना मैंने अभी तक यही सुना कि अब दौर फास्ट हो गया है, गाँव देहात में भी चीजें अब फास्ट हो गई हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि वही चक्कर है अभी हमारे भी। गांव में तो वही चल रहा है फिलहाल। लेकिन मैं भी जब जाती हूँ सिंध या फिर ऐसे एरियाज में, तो यकीन जानो मुझे बड़ी हैरानगी होती है देखकर लोगों को, वहाँ की औरतें इतने मोटे मोटे कपड़े पहनती हैं और बंजारन टाइप देखा मैंने उस दिन। रिसेंटली अभी मैं गई थी टूर पे, तो मैंने बोला यार अभी भी यहाँ का ट्रेडिशनल चेंज नहीं हुआ, वही सिस्टम चल रहा है, वो पानी वो कुएं से निकाल जब रही बंदा वहां हैं। जाता है ना चेंज ड्रेस में, वो लोग देख के खुश ऐसे होते हैं जैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए, ये वाले वहां की औरतें अच्छा ऐसे देख रही होती हैं, हाँ ऐसा ही है, उनके फेस पे जो स्माइल होती है ना, मतलब वो उनको फील हो रहा था कि हमने भी यही ड्रेसिंग की हुई होती है। अच्छा हाँ ओके। बहुत उनको सारा बेचारी मैंने को देखा करने का है। नहीं मिलता ना मौका, हाँ वो चाह के भी नहीं कर सकती, अथॉरिटीज नहीं है उनके हाथ में, हाँ मर्दों के हाथों अपने मैं कहूंगी मजबूर होती है। ओके यार मैं तो ये बात समझती हूँ, देखो आजकल बहुत फास्ट टाइम है, तो हर वोमेन को अथॉरिटीज मिलनी चाहिए, और मैं बिल्कुल इस आपकी बात पे एग्री हूँ कि मैं आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने स्टेप लिया, आप बाहर निकली और आपने कर दिखाया कि नहीं यार मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि औरतें बाहर खुद भी नहीं निकलती ना, वो डरती हैं, माशरे से डरती हैं, फैमिली से डरती हैं। मेरे साथ भी शुरू में ये था कि इतनी मैं वो नहीं थी, फास्ट नहीं थी, लेकिन मेरी अम्मी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, ट्रेन किया, चीज़ें बताई। कि मेरी अम्मी ने बोला कि मैंने जो टाइम अपना एक गुजारा है वो मैं नहीं चाहती कि तुम गुजारो, क्योंकि उस टाइम का जो उस टाइम पे जो औरतें होती थी वो यही चक्कर था कि आज से कोई 10 साल पहले या 12 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले औरतें सिर्फ उनका ये था कि उस एजुकेशन तो उनको मिलती ही नहीं थी ना टोटली, किसी को भी नहीं मिलती थी एजुकेशन। तो आप बड़े हुए, 14-15 साल में आपकी शादी शादी हुई हो जाती और थी। आप उसके बाद आप अपनी फैमिलीज को देखते थे, ये चक्कर था। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब दौर चेंज हो गया है, अब लड़कियां बाहर निकलती हैं, लड़कियां काम करती हैं और अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, तो आपने हाँ यही करना है। और बिल्कुल इंशाल्लाह।
आगे जाना है, अपने आप को प्रूफ करना है कि आप कुछ हैं, अपना नाम बनाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की और मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर की वजह से हूँ जो भी हूँ, क्योंकि एक माँ ही होती है जो आपको प्रॉपर सपोर्ट करती है और आपकी चीज़ें अंडरस्टैंड करती है। इसके अलावा आपकी आपकी फैमिली बैकग्राउंड से आपने बोला आपके भाई सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी कोई सिस्टर नहीं है, मेरे तीन भाई हैं, तो वेल टोटली सपोर्ट मी फॉर एनीथिंग, फाइनेंशियल एंड एवरीथिंग से मुझे हर चीज़ से वो सपोर्ट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी आपसे कन्वर्सेशन करके अक्सा। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए शो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी नाजीन, आज हमारे साथ मौजूद थी अक्सा बलोच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए शो के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।